दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। खुफिया विभाग में भर्ती निकली है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1054 वैकेंसीज निकली है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल जो 10वीं पास है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 5200 से 20200 सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 नवंबर 2018 है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। सबसे पहले आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती निकली है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद खाली है, 1054 टोटल पद है। UR कैटेगरी के लिए 620 पद है। OBC NLC के लिए 187 पद है। SC के लिए 160 है और ST के लिए 87 पद है। उसके बाद आप यहां पर जोन वाइज भी देख सकते हो, अगरतला में 15 वैकेंसीज है, अहमदाबाद में 39 है, इजोल में 14 वैकेंसीज है, अमृतसर में 52 है, बेंगलोर में 37 है, भोपाल में 17 है, भुवनेश्वर में 14 है, चंडीगढ़ में 21 वैकेंसीज है, चेन्नई में 40 है, देहरादून में 8 है, दिल्ली या IB हेडक्वार्टर्स में 228 वैकेंसीज है, डिब्रूगढ़ में 8 वैकेंसीज है, गंगटोक में 7 है, हैदराबाद में 36 वैकेंसीज है, इम्फाल में 13 है, ईटानगर में 29 वैकेंसीज है, जयपुर में 48 है, जम्मू में 31 है, कोलकाता में 67 है, लेह में 14 है, लखनऊ में 19 है, मेरठ में 12, मुंबई में 70 वैकेंसीज है, नागपुर में 8 है, पटना में 24 है, रायपुर में 16 है, रांची में भी 16 है, शिलोंग में 9 है, शिमला में 17 है, सिलीगुड़ी में 25 है, श्रीनगर में 32 है, तिरुवनंतपुरम में 49 वैकेंसीज है, वाराणसी में 6 वैकेंसीज है और लास्ट में विजयवाड़ा में 20 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो 27 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 10/11/2018 से की जाएगी। सैलरी भी यहाँ पर देख सकते हैं, 5200 से 20200 सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे इसमें 2000 रहेगा। उसके बाद फीस देख सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए ₹50 है। SC ST EX सर्विसमैन और फीमेल को फीस जमा नहीं करनी है। पेमेंट भी यहाँ पर देख सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और चालान 8 SBI से जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अप्लाई यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पोर्टल यहाँ पर दिया हुआ है, इस पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद जॉब लोकेशन देख सकते हो, ऑल इंडिया की जॉब है, कहीं से भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। डेट भी यहाँ पर देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 अक्टूबर 2018 है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 नवंबर 2018 है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2018 है। दोस्तों उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब दी गई है। इस टैब पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन में किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको वहीं पर ईमेल ID और फोन नंबर भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और सिंपली अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।